किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल में पेड़ बचाओ अभियान एवं सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत एक पौधा माँ के नाम के स्लोगन के साथ सभी अभिभावकों को तुलसी माता का पौधा वितरित किया गया और इसके औषधीय गुणों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भावना शर्मा, प्रबंधक महिला जन कल्याण सोसाइटी आगरा, मीनू पारासर अध्यक्ष, उषा बघेल उपाध्यक्ष, मीनाक्षी सिकरवार अध्यक्ष, वीरेंद्र कुमार मित्तल प्रदेश मंत्री बीजेपी, मनीष मित्तल मिफ्रे डायरेक्टर, रीना जालान मिफ्रे को अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। एल कार्यक्रम का शुभारंभ सभी विशिष्ट अतिथि द्वारा सरस्वती माँ एवं मिफ्रे फाउंडर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय कोऑर्डिनेटर ज्योति और कीर्ति द्वारा पत्रिका एवं फूलों की माला पहनाकर किया गया। पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत विशिष्ट अतिथि भावना शर्मा एवं प्रदेश मंत्री वीरेंद्र कुमार मित्तल द्वारा सभी अभिभावकों को तुलसी जी का पौधा वितरित किया गया और पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया गया। प्रदेश मंत्री वीरेंद्र कुमार मित्तल द्वारा तुलसी के पौधे के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दी गई। मिफ्रे डायरेक्टर मनीष कुमार मित्तल ने बताया कि तुलसी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है और इसीलिए उनके भोग की हर वस्तु में तुलसी के पत्तों का समावेश होता है। एलवीना जालान और डॉक्टर स्वाति चंद्रा द्वारा सभी अभिभावकों को तुलसी पूजा का महत्व बताया गया। प्रबंधक भावना शर्मा ने कहा कि तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है। एल कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय सुपरवाइजर ममता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दुर्गेश, नूपुर, प्रीति, अनीता, पुष्पा, दीपिका, वर्षा, रुचि, साधना आदि सभी शिक्षक गण मौजूद रहे। नमस्कार, मैं भावना शर्मा, महिला जन कल्याण सोसाइटी एनजीओ से है हम लोग, और यहाँ एक वनस्थली किड्स स्कूल है कालिंदी बिहार में। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया, पेरेंट्स मीटिंग के साथ साथ बच्चों को जागरूक करने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तुलसी के वृक्ष को बांटने का एक यहाँ पर अच्छा बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारी पूरी टीम यहाँ उपस्थित रही। मीनू पाराशर जी, उषा जी और मैं पूरे स्कूल के साथ साथ अपने सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे तो शायद माता पिता के साथ साथ बच्चों में भी एक ये अपने धर्म के प्रति, अपने वृक्षों के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न होती है कि हाँ तुलसी माता है और ये आदि काल से हम लोग इसे पूजते चले आ रहे हैं। तो आज हमने तुलसी का पौधे का यहाँ वितरण किया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। एक सरकारी स्कूल है, यहाँ पर आज वृक्षारोपण हुआ है और बच्चों की पेटीएम भी थी, तो इस वृक्षारोपण से बच्चों को ये भी पता चलेगा कि हमें पेड़ लगाने हैं, जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको लगाना है और इस चीज को बढ़ाना है ताकि हम सभी मतलब जीव जंतु व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो, जो दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों की वो खत्म हो जाए। और यहाँ के बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ पर हमेशा कोई अच्छी चीजें होती हैं बच्चे भी सीख रहे हैं इस वजह से। धन्यवाद। माय सेल्फ ममता बघेल, सुपरवाइजर इन किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल। टुडे वी हैव ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन इन आवर पीटीएम। द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू सी दिस प्रोग्राम एंड द चिल्ड्रन हैज लर्न द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। थैंक यू। मैं मीनू पाराशर, हम यहाँ किड्स वनस्थली स्कूल में आए हुए, यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, यहाँ पर तुलसी के पौधे वितरित किए गए। बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ है, इसमें सभी अभिभावकों को तुलसी के पौधे के बारे में गुण बताए गए, उनकी गुणवत्ता के बारे में बताया गया और तुलसी वितरण का भव्य प्रोग्राम हुआ।